आला हजरत के खलीफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेरठी मेरठ के रहने वाले थे। तकसीम के बाद वो पड़ोसी मुल्क तशरीफ ले गए। उससे पहले आपने पूरी दुनिया का दौरा फरमाया, तकरीबन 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे। आला हजरत के खलीफा थे, आला हजरत के शहदाइयों में थे। जब कहीं दौरे पर निकलते पहले आला हजरत की बारगाह में पहुंच करके दुआ लेते, 30 जबानों में तकरीर फरमाते थे। यूरोप के बेशतर मुल्कों में पहुंच करके उन्होंने मसलक के आला हजरत की तर्जमानी फरमाई है। आज यूरोप और अमरीका में हिंदो पाक के जो उलमा पहुंच करके खिताबत का फरीजा अंजाम दे रहे हैं, अक्सर फील्ड मुबल्लिग इस्लाम खलीफा आला हजरत की तैयार की हुई है। आज से तकरीबन 100 साल पहले जब फ्लाइटों का इंतजाम नहीं था, मुबल्लिग इस्लाम आला हजरत के वो खलीफा, आला हजरत के वो शहदाई पानी वाले जहाज से दुनिया के मुल्कों का दौरा फरमाते थे। जाते थे तनहा, समंदर के किनारे जब उतरते थे, आबादी में पहुंचते थे, बड़े बड़े दानिश्वरों को दावत देते थे, आओ मैं इस्लाम का सफीर बन करके आया हूँ, आओ मेरी बात सुनो। मुअर्रिख लिखता है कि वो बंदरगाह से शहर तनहा जाते थे, मगर जब वापस आते थे सैकड़ों उनके साथ करते थे। मुबल्लिग इस्लाम वो हैं कि जिनके हाथ पर तकरीबन 70,000 गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है। ऐसे बड़े दानिश्वर ने इमाम अहमद रजा के बारे में फरमाया है, तुम ही फैला रहे हो दीन हक अकनाफे आलम में, इमाम अहले सन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। अरब में जाके इन आंखों ने देखा जिसकी अजमत को अजम के वास्ते ला रहे वो किबला नुमा। सुभान अल्लाह।